आज वाराणसी में बीजेपी कार्यालय गुलाब बाग विधायक राजेश गौतम जी द्वारा 2019 को लेकर हर शहर में बीजेपी कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं से परिचय किया और चुनाव की तैयारी की और कहा चुनाव की तैयारियां चालू कर दी गई हैं आने वाले 2019 की, जिसमें रमेश कन्नौजिया की उपस्थिति में बनारस सिगरा गुलाब बाग में बीजेपी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए प्रोग्राम में शिरकत की। वाराणसी से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे का बनाए जाने के बाद जो जिम्मेदारी हमको हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, निश्चित तौर पर आने वाले कल में 2019 में लोकसभा का चुनाव है और इसी तरीके कल मैं सोनभद्र में था, उसके दिन पहले मैं मिर्ज़ापुर भदोही में अपने अनुसूचित मोर्चे के संगठन के लोगों से, वहाँ के अपने समाज के लोगों से इकट्ठा मिल करके परिचय, उसके साथ साथ क्या इससे पहले जब क्षेत्रीय पार्टियाँ रहा करती थी, आज हमारे समाज का नौजवान वो भी पढ़ा लिखा व्हाट्सएप मीडिया पे जुड़ा हुआ है, वो ये जान रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियों ने खिलवाड़ किया, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, और उनको ये भी उम्मीद है कि जो भी जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं हमारी पार्टी की, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस कनेक्शन की बात हो, आवास जितने आ रहे हैं, शौचालय को जो काम कर रहा है हो रहा है, वो प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, निश्चित तौर पर हमारे समाज का जो वो मान सम्मान, वो आत्मसम्मान जो मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। अब वो समय नहीं रह गया है कि जो बसपा सपा जो एक समय का नारा लगाते थे वो अपने आप को एक वोट बैंक की तरह हमारे समाज को, दलित समाज को समझते थे, अब वो हर व्यक्ति जान गया है कि ये वहाँ पर दलित समाज के लोगों की भावनाओं को बेचने का काम करते थे और सिर्फ उनका सम्मान मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में। आज बनारस में किस तरीके का बयान रखा गया है, आप जो उपस्थित हो रहे हैं? एक तरीके से हमारे अनुसूचित मोर्चे के जो संगठन के जो हमारे युवा साथी हैं उनसे मिल करके अपने जिला अध्यक्ष यहाँ पर जो ग्रामीण के हैं आदरणीय अध्यक्ष जी हंसराज जी प्रदीप अग्रवाल जी से वार्ता हुई, एक परिचय हो जाए उसमें और आने वाले कल में कैसे हमको अपने बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और महानगर में या मंडल स्तर पर उस मोर्चे को कैसे गठन करके हमको निश्चित तौर पर दिन रात मिलकर के काम करना है और संदेश देना है, हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका मूल्यांकन करना, जहां तक कहां तक पहुंचे हो। आगे का कार्यकाल क्या रहेगा आपका, इसके आगे का कार्यकाल प्रोग्राम के बाद आगे का कार्यकाल क्या रहेगा वाराणसी के? आज इसके बाद मैं गाजीपुर, हमारा 5 बजे से आज हमारी वहाँ पर बैठक है अपने समाज के लोग, अनुसूचित मोर्चे के कुछ लोगों के साथ जो वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं उनसे बैठ कर के बात होगी, एक तरीके से परिचय पा रही है जो कार्यक्रम चल रहा है, परिचय हो रहा है और एक गठन भी होगा कि निश्चित और आने वाले कल में 2019 को हमको देखना है और हमारा समाज ये संकल्प ले रहा है कि 2019 में पुनः हम लोग भारी मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाए। सर, क्या जितनी प्रधानमंत्री योजना जो जितनी भी निकली है, जितनी भी मोदी जी ने निकाला है, कितनी योजनाएँ जो वाराणसी में लगभग चल रही है? सभी चल रही हैं चाहे अभी लेटेस्ट में बात करें तो सर मेडिसिन को लेकर बात करें तो मेडिकल आजकल जो अभी आयुष्मान वाला जो नई स्कीम हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्कीम लागू है, अब जो गरीब से गरीब तबका रहता था 5 लाख की उनकी कार्ड बन जाएगा, उनको 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी। अगर आवास की बात करें, आप उज्ज्वला गैस की बात करें, कौन समाज है जो वंचित रह गया, हमारा दलित समाज है। सर आवास के लिए भी बात करें तो सर आवास के लिए भी काफ़ी गरीबों को फॉर्म बांटा गया है और जगह जगह पे काशी की कई जगह को लिया गया है, तो सर उसमें तो काफ़ी समय लगेगा बनने में, तो क्या लगता है कि उसमें गरीबों को ही दिया जाएगा कि पात्रता की सूची में जो भी आएंगे, हम अब मेरी विधानसभा कादीपुर विधानसभा है, मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ वहाँ सुल्तानपुर जिले में कादीपुर विधानसभा से, हमको मालूम है कि पात्रता की जो भी पात्र व्यक्ति आएगा उस पात्र व्यक्ति को निश्चित तौर पर आवास मिलेगा और हमारे जनप्रतिनिधि बैठ करके, हमारे संगठन के लोग भी बैठ करके देख रहे हैं कि वो आवास जो आ रहे हैं वो सही रूप से उन पात्रता व्यक्तियों को मिल रहा है कि नहीं। कई कई जगह पे हमारा चौपाल के से पहले पिछले महीने में चौपाल का कार्यक्रम हुआ, वहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे, कितना उनको गैस का कनेक्शन कितना मुहैया हुआ, कितने बटे, कितने रह गए, कितना आवास आवंटन हुआ, कितना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसका हम लोग जा करके गांव-गांव जा करके चौपाल लगा करके उसका मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, कितनों को मिला है, आने वाले कितने रह गए, कितने वंचित हैं, उनका नाम ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमारे संगठन के लोग उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि इस चीज़ को देख रहे हैं, हमारी पार्टी की गाइडलाइन। जी सर,
आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि बुनकर को लेकर बात किया जाए तो मोदी जी ने काफ़ी मतलब आश्वासन दिए थे और काफ़ी उनके लिए भी सुविधा निकाली थी, मगर काशी की जनता आज तो मैं अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, हमारे दलित समाज से पूछिए, ये तो हमारे भी जो संगठन के मेन संगठन हमारे जिला अध्यक्ष जी आएंगे उनका सब जवाब देंगे, और बुनकर लोगों जो उन्होंने वादा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी पार्टी जो वादा करती है वो करके दिखाती भी है, वो आपको दिखने भी एक साल में आपको दिखने भी लगा है प्रदेश में क्या स्थिति रही 15 साल में, और एक साल के अंदर चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, वो आपको दिख रहा है कि एक साल में कितना जो 15 साल में अव्यवस्थित क्षेत्रीय पार्टियों ने कर दिया उसको संभालने करने उनको समय लगता है, लेकिन एक साल में हमने वो कर दिखाया कि हम आने वाले 2022 तक 2019 तक हम काफ़ी कुछ तक 90% तक सब लोग सब सही कर देंगे। आप उस आखिरी सवाल आपका मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि ये हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश उत्तम प्रदेश आने वाले कल में देश का उत्तम प्रदेश बनकर के रहेगा।